अल्लाह की नियामतें सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो हमारा हकीकी मालिक है वही तन्हा अकेला है जो सारी कायनात को चला रहा है और उसकी कुर्सी सात ज़मीन व आसमानों को अपने लपेट में ली हुई है पाक है अल्लाह की ज़ात वो बाबरकत और अज़मत वाला है वही अरश अजीम का मालिक है बेसाब व सलाम हो नबी मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातिम्बिया व मसलिन हैं अल्लाह के फजलकरम से इस मौके पर मेरी मुखलसाना कोशिश है कि मैं कुरान की उस सूरत जिसका नाम तकास है उसी सूरत की आखिरी आयत पर कुछ तश्री करना चाहता हूँ उम्मीद के कहने वाले को और सुनने वालों को अल्लाह अमल साले की तोफ़ी अता फरमाए आमीन आयत है लतुस्ल योम अन नईम इस आयत के मान है फिर तुमसे से ज़रूर बिल ज़रूर नियामतों का सवाल होगा क्या चीज़ है जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है कुरान में जिसका अहमियत से जिक्र आया है जो इंसानों को मरकूब कर देती है वो है माल और औलाद फिर जहाँ कहीं दुनिया परस्ती हो वहाँ अल्लाह का खौफ जाता रहेगा ये दुनियावी ज़िंदगी एक आजमाइश है और दुनिया का साजो सामान और ऐश व आराम भी आजमाइश है अल्लाह किसी को ग़रीब बनाया है तो किसी को अमीर और वो किसी को ना देकर आजमाता है तो वो किसी को हर चीज़ अता करके आजमाइश में डाल देता है जहाँ बंदा अपने आप को खुशहाल पाता है तो उसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वो कैसी कैसी नियामतों से नवाजा है जहाँ बंदा अपने आप को मुश्किल अदा पाता है तो उसे चाहिए कि वो सब्र और तहमुल से काम ले कुरान में अल्लाह ताली सुर बकर में फरमाता है और सब्र नमाज के साथ मदद तलब करो ये चीज़ शाख है मगर डरने वालों पर और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताली बारहा मतबा शुरमान सवाल कर रहा है तो ए जिन और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नियामत को चुटलाओगे हमारी दुनियावी ज़िंदगी का हकीी मकसद अल्लाह की इबादत है सच्ची इबादत और परहेजगारी से तखवा पैदा होता है और यही हकीकत में फला और कामयाबी है अगर ये सब नहीं तो ज़िंदगी नाखस और नाकारा है जहाँ दुनिया परस्ती हो माल की हिरस हो और दीन से दूरी हो तो ऐन है कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएंगे अल्लाह से डरने का मुकाम है अल्लाह से दुआ है कि वह हमें तारीखियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आए आमीन उस आयत को समझते हुए ये बात वाज है कि अल्लाह अदल वाले दिन अपने बंदों से उन बेशुमार नियामतों के मुतल सवाल करेगा जो बंदा शुक्र गुजार रहा तो वो कामयाब होगा जो ना शुक्र रहा इस दुनिया में तो वहाँ नाकामयाब होगा मुसनत अहमद और नसाई की एक हदीस है हजरत जाविर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी महमद्ला वल्म एक मरतबा हमसे मुलाकात किए और हमने उन्हें ताज़ा खजूर और ठंडा पानी पीने को पेश किए उस पर उन्होंने फरमाया ये अल्लाह की बरकतों में से है जिनका तुमसे सवाल होगा आख़िरन अल्लाह की बेशुमार और अनगिनत नियामतें हैं जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता अल्लाह एक दिन ज़रूर सवाल करेगा कि हम दुनियावी नियामतों को कैसे सर्व किए हैं मेरी बात को ख़त्म करते हुए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हम सभी को उसकी किताब कुरान और सुनत नब्बी परमल करने की तोफ़ी ख़ता फरमाए वह हमको दीन का फ़ेहम हमत और हिदायत दे वह हमको राय रास् पर क़ायम करे और हम में इस्तामत दे वह हमारे दिलों और ज़हनों को ईमान की नूर से रोशनाज व मनवर कर देन